स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैथमेटिक्स का स्टैटिक्स भी है, और स्टैटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स का। तो स्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलाकर के प्रॉब्लम बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें तमाम फोर्सेस होते हैं और उनका डायरेक्शन होता है, उनका रिजल्टेंट होता है, ये सब निकालना आपको आना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम बोर्ड पर ये रहा,